अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आज सुबह से मुझे काफ़ी दोस्तों के लोगों के फ़ोन आए कि वारिस भाई, आज टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल छपा और काफ़ी अखबारात में आया है कि लॉ कॉलेज टोल्ड टू होल्ड एग्जामिनेशन अगेन आफ्टर 270 फेल, और ये दिया है और साथ में लिखा हुआ है नीचे एक पैराग्राफ में कि आपके खिलाफ कंप्लेंट की गई है और FIR करना है। तो क्या बात है, ज़रा तफसील से समझाइए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सबसे पहले तो कि गवर्नमेंट लॉ कॉलेज स्टूडेंट्स को मैं बधाई देता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ वो 270 स्टूडेंट को कि जिनको फेल कर दिया गया था और रीटेस्ट लेने के लिए मनाही कर दी गई थी। अब हुआ ये था कि इन लोगों ने जब देखा था कि मैंने क्राइस्टचर्च की स्कूल में जब कोई प्रॉब्लम हुआ था तो संविधान के दायरे में रहकर कायदे कानून का पालन करते हुए हमने प्रिंसिपल से मैनेजमेंट से बात की थी और 90 स्टूडेंट्स को प्रमोट किया था हमने। वैसा ही केस हो गया था बुरहानी कॉलेज में जहाँ पे 450 स्टूडेंट के करियर का सवाल था, तभी भी हमने मैनेजमेंट से बात की, प्रिंसिपल से बात की, उनको समझाया कि कायदे में रह कर देखिए सर आप प्रमोट कर सकते हो, तो उन्होंने सब देखा, उसके बाद सबको प्रमोट किया गया है। अब वही देखकर कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे फ़ोन किया फ्राइडे के दिन के वारिस भाई, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के हम स्टूडेंट हैं, हम कुछ एक मार्क्स से फेल हुए, दो मार्क्स से फेल हुए, और हमको ये नहीं, हमको प्रमोशन नहीं, हमको आप रीटेस्ट करवाइए जो कानून है। तो मैंने सब पूछा, उनसे बातचीत किया, जब चेक किया तो पता चला कि लास्ट ईयर तक कानून था कि आप रीटेस्ट ले सकते हो। और एक उनका प्रॉब्लम ये था कि जो 2 घंटे का पेपर था उस पेपर को 1.5 घंटे का कर दिया गया जब वो एग्जाम में लिखने बैठे तब। काफ़ी सारी बातें जब मैंने समझा तो मैंने कहा नहीं, कायदे के विरुद्ध काम हो रहा है, बात बराबर नहीं है, चलिए मैं आपके साथ आता हूँ। मैं गया उनकी कॉलेज में, बात किया तो वहाँ पर प्रिंसिपल साहिबा मिली हमको, बहुत ही एरोगेंट थी, बहुत ही, पहले तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया, जब उनको बहुत समझाने की कोशिश की, जब उनको बताया कि कानूनन में आप रॉन्ग हो मैडम, सुनिए ये देखिए ये स्टूडेंट सब खड़े हैं, इनके करियर का सवाल है, इनकी लाइफ का सवाल है, इनकी ज़िंदगी का सवाल है, और आपकी मिस्टेक है, आप रीटेस्ट क्यों नहीं कराना चाहते, जबकि लॉ है, कानून है यूनिवर्सिटी का, क्यों नहीं कराना चाहती हैं आप। और दूसरा, हमने उनको पेपर दिखाया कि 2 घंटे का टाइम है पेपर का, आपने उसको 1.5 घंटे का कर दिया तो स्टूडेंट कैसा लिखेगा। मगर इतना एरोगेंसी उन्होंने दिखाई कि उठ के एक मरतबा तो वो अपनी कुर्सी से बाहर चले गए अपने चेंबर से, फिर हमने रिक्वेस्ट करके लाए, फिर बात की, और हम तो संविधान के दायरे में रहकर बात कर रहे हैं, कायदा कानून का पालन करते हुए बात कर रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए बात कर रहे थे, मगर जरा सा हमने हमारे आवाज को बुलंद किया तो बुरा मान गए। जब आपने देखा कि आपकी मिस्टेक पकड़ी गई, जब आपने देखा कि अब विनोद तावड़े साहब जो मिनिस्टर एजुकेशन के, यूनिवर्सिटी ने भी अनाउंस कर दिया कि हाँ हम इन 270 लड़कों को फिर से रीटेस्ट लेने देंगे, जब आपको लगा आपके ईगो को ठेस पहुंची तो आप मेरे खिलाफ कंप्लेंट करने चले गए, मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में FIR करने चले गए। आप सुन लीजिए, ये बच्चों के करियर का सवाल है, उनकी जिंदगी का सवाल है, उनके फ्यूचर का सवाल है, उनके मुस्तकबिल का सवाल है। आपको केस करना है केस करिए, FIR करना है FIR करिए, मुझे फांसी के तख्ते पे चढ़ाना है फांसी के तख्ते पे चढ़ा दीजिए, जेल भेज दीजिए, मगर ये हक की लड़ाई है और हक की लड़ाई वारिस पठान हमेशा से लड़ता था, है और रहेगा। ये बच्चों का करियर का सवाल है और सारे स्टूडेंट मेरे साथ खड़े हुए हैं। मैंने कोई थ्रेट नहीं किया, कोई बदजुबानी नहीं की, मैं संविधान के दायरे में रहकर कायदे कानून का पालन करते हुए मैंने अपनी बात रखी आपके सामने, आपको मानना पड़ा, आपने कहा जो कानूनी होगा वो करेंगे और आज फैसला आ गया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपको मेरे खिलाफ जो कार्रवाई करनी करिए, मुझे जेल में डाल देना डाल दीजिए, मगर मैं हक की लड़ाई से ना रुकूंगा, ना कोई मैं ताकत है कि मुझे रोक सकेगा लड़ाई लड़ने से। अब मैं बच्चों को कहना चाहता हूं कि देखिए आज आपको एक अच्छा काम हो गया आपका, जमकर मेहनत कीजिए, रीटेस्ट में सब पास हुई है, अपना फ्यूचर बनाइए, अपना करियर बनाइए। और बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों आपका, मुझ पर विश्वास रखा, मुझ पर भरोसा रखा और मुझे बुलाया, मेरे साथ आए, मैं खड़ा रहा आपके लिए, और ये जीत आपकी, मेरी संविधान की जीत हुई। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके